Hello class, today we will start chapter 12 in SST. Chapter 12 है means of transport. Means of transport का मतलब होता है यातायात के साधन, है ना, वाहन जिसमें हम यातायात करते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन, इसका परिचय देखते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. इस पाठ में हम लोग क्या सीखेंगे, अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग अलग यातायात के साधन के बारे में जानेंगे, ना, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, है ना. भूमि में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट चलते हैं, जल में कौन कौन से चलते हैं और वायु में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट चलते हैं, उसके बारे में, है ना. द व्हील वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द अर्ली मैन. आदि मानव का जितना भी आविष्कार है उसमें से पहिया उसमें से एक है. ठीक है, जो मुख्य आविष्कार उन लोगों ने किया था ना, उनमें से पहिया का आविष्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है. द अर्ली मैन मूव्ड हैवी ऑब्जेक्ट्स बाय पुलिंग देम ऑन द ग्राउंड. अर्ली मैन क्या करता था, हैवी ऑब्जेक्ट यानी कि भारी भारी सामानों को खींचकर ग्राउंड में खींचकर वो ले जाता था, है ना. इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल देम ऑन द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. और अगर लंबी दूरी तक उसको खींचकर ले जाना हो तो बहुत डिफिकल्ट होता था, है ना, उनको खींचना भारी होता था, इसलिए उनको खींचना बहुत कठिन होता था. सो द अर्ली मैन बिगन टू यूज क्रूड स्लेज. और इसीलिए जो आदि मानव है वो क्या शुरू कर दिए, यूज क्रूड स्लेज, स्लेज बना लिए, है ना, समतल तख्ता का प्रयोग करने लगे, है ना, उसमें सामानों को रख देते थे और खींचने में थोड़ा उनको सुविधा होता था. लेटर बाद में ही पुट राउंड लॉग्स ऑफ वुड अंडर दिज स्लेज. उसके बाद वे क्या करने लगे, उन स्लेज के नीचे वो गोल गोल लकड़ी के लट्ठों को लगा दिए ताकि उसको लुढ़काने में सुविधा हो. दिस वॉज द फर्स्ट व्हील और यह उनका पहला पहिया था. ठीक है, नाउ डेज वी हैव मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और अभी हमारे पास कई यातायात के साधन मौजूद हैं, है ना, पेट्रोल डीजल एंड सीएनजी इंजन्स आर यूज्ड टू रन व्हीकल्स विच हेल्प टू ट्रांसपोर्ट पीपल और गुड्स. अभी हम लोग जितने भी यातायात के साधन है ना, वाहन है जो, उनका यूज हम लोग करते हैं तो उसको कैसे चलाते हैं, पेट्रोल से, डीजल से और सीएनजी इंजन से हेल्प से उसको चलाते हैं ना, ट्रांसपोर्ट को. ठीक है, उसमें हम लोग पीपल भी एक स्थान दूसरे स्थान आ जा सकते हैं और उसमें सामानों को भी ढोया जाता है ना. अब है लैंड ट्रांसपोर्ट, जो वाहन भूमि पर चलते हैं. दीज आर व्हीकल्स विच रन ऑन कच्चा पक्का सिटी और हाईवे रोड्स. लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे वाहन है, जो कच्चा रोड में चलते हैं, पक्का रोड में चलते हैं, सिटी में चलते हैं और हाईवे में भी चलते हैं, है ना. पीपुल यूज बसेस एंड ट्रक्स टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम सिटी टू सिटी और स्टेट टू स्टेट. पीपुल क्या यूज करते हैं, बस का और ट्रक का यूज करते हैं. ठीक है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और गुड्स का भी, यानी सामानों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना हो, सिटी सिटी यानी कि एक शहर से दूसरे जगह ले जाना हो या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य तक आना जाना हो या फिर सामानों को ले जाना हो, हम लोग किसका यूज करते हैं, बस और ट्रक का. इन द विलेज टांगाज ब्लॉक कार्ट्स बाइक्स एंड साइकिल हेल्प पीपल टू मूव अराउंड. इन द विलेज, गांवों में क्या होता है, टांगा होता है, ब्लॉक कार्ट होता है, बाइक होता है और साइकिल होता है. इन सब की मदद से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना करते हैं. रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये भी भूमि पर ही चलता है ना, रेल ट्रांसपोर्ट. वी कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस कंफर्टेबली बाय अ ट्रेन. हम ट्रेन
के द्वारा सफर करते हैं। आरामदायक सफर है, लंबी दूरी, अगर हमें लंबी दूरी तय करना है तो हम आराम से ट्रेन में बैठ के कर सकते हैं। अ ट्रेन इज मूव्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी और डीजल, ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है और डीजल से भी चलता है ना। स्पेशल गुड्स ट्रेन्स एंड बोगीज ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल्स फ्रूट्स कैटल एंड सीरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान में अगर सामानों को ले जाना है, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट है, जानवरों को ले जाना है, अनाज ले जाना है, तो उसके लिए स्पेशल गुड्स ट्रेन होता है ना, और उसमें बोगीज होते हैं, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट है ना, जलीय यातायात के साधन है ना, जो पानी में चलते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स बोट्स स्टीमर्स शिप्स एंड ओशियन लाइनर्स। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आते हैं, बोट आते हैं, स्टीमर्स शिप और ओशियन लाइनर्स, ये यातायात के साधन है, जल यातायात के साधन, इसमें ये जल में चलते हैं ना। टैंकर्स कैरी ऑयल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, एक पॉट से दूसरे पॉट में जाना हो, यानी एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जाना हो, तो टैंकर होता है ना, वो ऑयल को कैरी करता है, यानी तेल का साधन, मतलब तेल के साधन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना हो तेल को ढोकर, तो वो टैंकर में जाते हैं। सम शिप्स कैरी हैवी मशीनरी, कुछ ऐसे शिप्स हैं जो भारी भारी मशीनों को ढोते हैं। सम शिप्स आर वेरी बिग, कुछ शिप बहुत बड़े होते हैं। दे कैन कैरी सेवरल थाउजेंड टन्स ऑफ लोड्स, वे एक साथ हजारों टन का भार ले जा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो कैरी थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स एट अ टाइम, और एक बार में वो हजारों पैसेंजर्स को भी ले जा सकते हैं। दे ट्रैवल बिटवीन वेरियस कंट्रीज, वे कहां ट्रैवल करते हैं, अलग अलग देशों में के बीच वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। अब है एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट वैसे आते साधन जो हवा में उड़ते हैं। इट इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जितने भी यातायात के साधन हैं, वो सबसे फास्टेस्ट कौन है, एयर ट्रांसपोर्ट है ना, मतलब वायु का यातायात का साधन सबसे तेज होता है। एन एरोप्लेन इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट सबसे कॉमन साधन क्या है, एरोप्लेन है ना। इट कैरीज पैसेंजर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यह लंबी दूरी तय करने के लिए पैसेंजर को पहुंचाता है ना। वी कैन ट्रैवल इन इट विद इन द कंट्री एंड ऑल्सो टू अदर कंट्रीज, अगर पूरे देश में घूमना हो या फिर दूसरे देश में भी अगर जाना हो तो हम एरोप्लेन का यूज करते हैं। मोर देन 100 पैसेंजर्स कैन ट्रैवल कंफर्टेबली इन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन में कम से कम 100 पैसेंजर जा सकते हैं ना, 100 पैसेंजर से अधिक एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर इज ऑल्सो यूज टू ट्रैवल इन एयर, और वायुयान के साधन में हेलीकॉप्टर भी यूज किया जाता है। इट कैन कैरी अबाउट 10 पर्संस एट अ टाइम, और एक समय में लगभग 10 व्यक्ति इसमें सफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब सबसे जल्दी आने जाने का साधन है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या सीखा, हम लोगों ने चैप्टर में सीखा कि यातायात के साधन 3 तरह के होते हैं ना, लैंड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट भूमि लैंड ट्रांसपोर्ट में भी आता है ना, तो 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट कौन कौन हुए, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट जो भूमि पर चलते हैं, वाटर जो पानी में चलते हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे, ओके।